विरोधियों को ये कहाँ भ्रष्टाचार दिखता है, शायद जिसको पी लिया होता है उसको पूरा जग पीला दिखता है, जैसी जैसी जिसकी फितरत वैसा उसके लिए जहाँ होता है। तो हम जो करते हैं वो दूसरों ने भी किया ऐसा दिखता रहता है, तो जो भ्रष्टाचारी होते हैं उसको हर जगह भ्रष्टाचार ही दिखता रहता है। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तामोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन मौजूद है, जो इस विधानसभा में किस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए इस अधिवेशन में, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैडम क्या कहेंगे, ये अधिवेशन में आपने किस तरह के मुद्दे उठाए, शहरवासियों को काफ़ी आपसे अपेक्षा है, और इस अपेक्षा पे किस तरह से आप खरा उतरेंगे? देखिए, मुद्दे हमारे शहर के हित के बहुत सारे मैंने उठाए। हम उत्तन से शुरू करें क्योंकि पहला हमारा स्टार्ट ही उत्तन से होता है। तो उत्तन में एक तो कचरे डंपिंग के लिए मैंने वो आवाज़ उठाई थी कि बार बार वायदा होता है। एक्चुअली मैं मानती हूँ कि डंपिंग ग्राउंड हमारे पास एक ही है, सकवार अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया होनी चाहिए, सौराष्ट्र कंपनी को जिस प्रक्रिया से उन्होंने उस कचरे को ये करने को कहा था, उसका यूज़ करने को कहा था, उस तरह से वो उसका प्रोसेस हो नहीं रहा है। लेकिन उनको पता था कि ये प्रोसेस उनके पास नहीं है, फिर भी उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। चलिए एक बार दिया गया, अभी 2 साल पहले फिर उसको एक्सटेंशन दिया गया, जबकि वो कंपनी उस काम के लिए कैपेबल ही नहीं है। तो उसके बारे में आवाज़ उठाई कि कोई अच्छा वहाँ एक प्रोजेक्ट आना चाहिए जिससे उनकी तकलीफ़ कम हो, क्योंकि पूरे शहर का कचरा जब वहाँ जाता है, जो दुर्गंध, जो लीचड़ वहाँ है, वहाँ की खेती वेस्ट हो गई है, वहाँ के लोगों को इतने रोग हो रहे हैं, उस पर अगर मानवतापूर्ण विचार नहीं किया तो मुझे लगता है ये उन पर अन्याय होगा। दूसरा, मुझे तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन बहुत पहले मछुआरों का फिशिंग टाइम हुआ करता था 7 अगस्त से जून, 7 जून तक। पर अब क्या किया है उन्होंने, बिना उनकी राय लिए 1 अगस्त से 31 मई, अब 1 से 15 अगस्त तक उनको बहुत ज़्यादा फिशिंग करने मिलता नहीं है, दरिए में तूफान होता है। उनका एक्चुअल फिशिंग टाइम होता है 7 और 15 के बीच में, कहीं से वो शुरू करते हैं और 7 जून तक वो कर सकते हैं। 15 दिन का उन्होंने टाइमिंग बढ़ा के मांगा है। बड़ा टाइमिंग नहीं बढ़ाया, चेंज किया है, दिन उतने ही हैं, पर जो पहले था 7 अगस्त से, उन्होंने कहा चलिए वो ही दीजिए हमें, 7 अगस्त से पहले वाला टाइम दीजिए, हमको 1 अगस्त से नहीं चाहिए। तो वो बात मैंने रखी और मैं अभी फॉलोअप करके ये देखूँगी कि उनको वो समय दिया जाए। उसके बाद आते हैं हमारे राय उत्तन टप्पा वन, जिसको बोलते हैं राय मुर्दा का, जो रोड जो आधा बना है और आधा बाकी है। तो मैंने उनको कहा कि गांव वाले 18 मीटर पे राजी है, आप एक बार का 18 मीटर का रोड बना लीजिए। ये जो ऊपर नीचे रोड है, जिसकी वजह से हम उस रोड को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पानी बहुत उसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, तो एक बार उसको 18 मीटर कंप्लीट कर दीजिए। DP में 30 मीटर है, वो 30 ही मीटर रहेगा, फ्यूचर में कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तब हम देखेंगे क्या करना है, लेकिन एक बार का वो 18 मीटर का रोड बना दीजिए, जिसकी सहमति हुई। उसके बाद हम भाईंदर वेस्ट की तरफ आते हैं, तो एक मुद्दा जो बहुत चर्चित था कि ईस्ट वेस्ट गोल्डननेस टू वेस्ट में ब्रिज बनाने का, ब्रिज बनना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक ही ब्रिज है, कॉलेप्स हुआ तो दूसरे ब्रिज की बहुत ज़रूरत है। लेकिन फिजिबिलिटी जब चेक की गई तो DP पे 18 मीटर का रोड है वहाँ वेस्ट में नगर भुवन वाला, जगह पे सिर्फ 15 मीटर है, और वहाँ अगर ब्रिज उतारेंगे तो आजू बाजू की बिल्डिंगों को बहुत डिस्टर्ब होगा, शायद उनको स्थलांतरित करना पड़े। इतने लोगों को स्थलांतरित करने की क्षमता हमारे कॉरपोरेशन में नहीं है। मुंबई मेट्रो की बात अलग थी, उन्होंने सबको फ्लैट दिए, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं, इसलिए वो फिजिबिलिटी नहीं है। तो मैंने एक सजेशन ये रखा कि उसको कैंसिल करके हम जो मीरा रोड से ईस्ट वेस्ट बना रहे हैं उस पर जोर दे के वो जल्दी से जल्दी भू संपादन करके हम दूसरा ब्रिज मीरा रोड से बनाएं। 2 फायदे होंगे, वहाँ के लोगों को यहाँ तक आना नहीं पड़ेगा, और दूसरा, जस्ट 200 मीटर पर दूसरा ब्रिज बनाना इतना फिजिबल नहीं था जितना मीरा रोड बनाने में था, इसलिए उस बात पर भी सहमति हुई कि हम मीरा रोड का ब्रिज बनाएंगे। उसके बाद आते हैं कुछ मांगे जो मैंने रखी है कि यहाँ हमारे पास स्कूल्स में उसे एक एक करके हम, मैं जानती हूँ एक साथ 36 की 36 स्कूलें नहीं हो सकती, लेकिन एक अब हुई है जो भाईंदर सेकेंडरी के बाजू वाली, तो दूसरी हम कैसे मॉडर्न स्कूल कर सके, तीसरी कैसे कर सके, उस पर वो काम चल रहा है। तो हम एक एक स्कूल आदर्श स्कूल करने के लिए मैंने वहाँ मांग रखी है। ये जो योजनाएँ हैं
उस योजना में कहीं कुछ ऐसा लगा था कि त्रुटि है तो उस बारे में चर्चा की और उस योजना को बहुत सरल किया। पहले सिर्फ ऑनलाइन थी, अब ऑफलाइन भी हो सकती है। उस बात का हमने ये किया कि ब्लड की बहन हो या जो कोई भी योजना हो उसे ऑफलाइन भी शुरू करें, क्योंकि कभी कभी एक साथ जब ऐप पर इतना वजन आता है तो कहीं ना कहीं वो ऐप हमारा कॉलेप्स हो जाता है। एक आपको मालूम होगा टेम्बा हॉस्पिटल के डॉक्टर मोना पाटिल, वो बाहर जाके सर्विस देते हैं जो अलाउड नहीं है, और एक महिला की मृत्यु हो गई, दो लोग बच्चा और महिला माँ की, दोनों की मृत्यु हो गई, तो उस पर जल्दी से जल्दी उसका निलंबन करके, और इस हमारे यहाँ के अधिकारी दूध भाती पे भी उसका कोई ना कोई ज़रूर एक एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी निग्लिजेंसी थी। वो हॉस्पिटल रिनोवेट हो रहा था उसके बावजूद उसको तत्परता बंद करने का आदेश उन्होंने नहीं दिया था। तो ये बहुत सारी दूसरी शहर की बातें, हमारे यहाँ और क्या डेवलप हो सकता है उसकी बातें, हमारा कोस्टल रोड यहाँ तक लाने के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं उसका प्रयत्न किया, एक और निवेदन दिया कि कोस्टल रोड जल्दी से जल्दी यहाँ आना चाहिए, लिंक रोड बनना चाहिए। हर बार मैं मुद्दा ज़रूर उठाती हूँ, हालांकि हमारे टोल का प्रॉब्लम ऐसा है कि उसमें बायबैक पॉलिसी नहीं है, लेकिन मैं प्रयत्न ज़रूर करती हूँ कि किसी तरह अगर बाकी के पैसे गवर्नमेंट भर के, पर वो बहुत बड़ी रकम है, 2100 करोड़ की रकम है जो गवर्नमेंट ने कहा अब हमारी क्षमता नहीं है ये भरने की, इसलिए वो बात बार बार रह जाती है। तो वो उसके बाद शहर में पानी कैसे होता है, सूर्य का वाटर आने के लिए अभी जनवरी फरवरी हो जाएगा, लेकिन हमारी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन में अगर सूर्य का काम कंप्लीट हो जाए तो हम 30-40 MLD पानी ले सकते हैं। तो हमारा पानी हम, क्योंकि इंटरनल पाइपलाइन अभी तक नहीं हुई है ले नहीं पा रहे हैं, तो मेरा ये प्रस्ताव था कि हमें 30 दीजिए, 40 दीजिए, चलेगा, लेकिन उतना तो दीजिए। और जो वो आपको मालूम है बीच में एक्सीडेंट होने की वजह से सूर्या का जो प्रोजेक्ट है वो 1 महीने डिले हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया था तो, और उसका रूट बदलना पड़ा है, तो वो उसकी वजह से 1-1.5 महीने में जब सूर्या कंप्लीट हो जाएगा तो जल्दी से उतना पानी जितना हमारी कैपेसिटी है, जितना हमारी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन ले सके उतना ज़्यादा पानी हमें मिले, और वो बात भी मंजूर की गई। आप ही का एक विषय था स्मशान भूमि दफन भूमि का, सर्वधर्मीय स्मशान भूमि के लिए हमने जो एप्लीकेशन उत्तन में दी थी वो 37A बिल्कुल लास्ट कगार पर है, और 37A मुझे लगता है 2-3 दिन में हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको एज ए स्मशान भूमि फिर उसमें किस में से कितना लोगों को देना है उसके बारे में, तो वो भी हो गया है। कोपरा का रास्ता बहुत टाइम से प्रलंबित हुआ, कोपरा का रास्ता जो 37 हुआ नहीं था उसका भी काम हाथ में लिया, और वो भी 37 है, और अब एक बार का वो 37 है और रोड बताया जाता है तो वो रोड बनाने में हमें सहूलियत होगी, नहीं तो तब तक हम अपनी नीति से रोड नहीं बना सकते थे। एक ULC का विषय है, हमारी बिल्डिंगों में जिसको ULC लगा होता है थप्पा उसके 7 बार चेंज नहीं होते। मैंने प्रस्ताव ये रखा था कि उस थप्पे को ऐसे ही रहने दीजिए ताकि डेवलपर आएगा, ULC भरेगा, मसूल का कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन लोगों को रीडेवलपमेंट के रास्ते खुलेंगे। जब तक आप 7 बार चेंज नहीं करेंगे लोग रीडेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, और सोसाइटी के पास इतना पैसा नहीं है। एक हमारे पास सबसे बड़ा हमारे पे श्राप है स्टेट इन्वेस्टमेंट, उसके पैसे भरो उसके बाद ULC के भरो, तो वो ताकत सोसाइटी में होती नहीं है, उसकी वजह से उनके 7 बार नहीं फेर रहे थे। तो ये भी मंजूर हुआ कि ठीक है हम पूजा एज इट इज़ रखेंगे, जो भी रीडेवलपर आएगा वो ULC क्लियर करेगा, और इस तरह से लोगों के रीडेवलपमेंट के रास्ते खुले हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत सारा काम इस तरह का हो जाता है। मैडम आपने एक विषय उठाया है कि एक महिला का मृत्यु हुआ था, उसमें वो शायद गर्भवती थी, उसमें उसका बच्चा भी मर चुका था। मैडम अस्पताल पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि वो जो एक प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज कर रहा था वो भी कहीं ना कहीं इनलीगल तरीके से इलाज कर रहा था, उस अस्पताल पर भी कार्रवाई होना चाहिए। महानगर पालिका क्यों नहीं कार्रवाई करती अस्पताल? देखिए ये राज्य, ये टेम्बा और महानगर पालिका को बिल्कुल उस हॉस्पिटल पर कार्रवाई करनी चाहिए, और डॉक्टर पर कार्रवाई हमारा शासन करेगा, क्योंकि ये टेम्बा का विषय है। तो वो बात मैंने की, और बहुत जल्दी इस हफ्ते में उसकी हियरिंग लगाई जाएगी, उन सबको बुलाया जाएगा और कड़क एक्शन देने के निर्देश वैसे ही मुझे मंत्री महोदय, मैंने उसकी लक्ष्य वेदी लगाई थी, लेकिन 2 दिन मंत्री महोदय बीमार थे इसलिए वो आए नहीं, इसलिए वो विषय की लक्ष्य वेदी मेरी हाउस में पटल पे नहीं आई। सेम थिंग हुआ उत्तन की लक्ष्य वेदी से, मैंने डंपिंग ग्राउंड पे लक्ष्य वेदी लगाई थी कि कितना इरेग्युलरिटी वहाँ हुआ है, लेकिन वो भी किसी वजह से, क्योंकि 4 दिन हमारा हाउस एडजर्न हुआ इस वजह से लक्ष्यवेदी उन सब दिनों की कैंसिल की गई, नहीं तो लक्ष्यवेदी ज़रूर लगती। लेकिन
मुझे मंत्री महोदय संबंधित ने आश्वासन दिया है कि मैं अपनी केबिन में इसकी हियरिंग लेके कड़क से कड़क उस पर कार्रवाई करूँगा। मैडम, मीरा रोड का गोल्डननेस परिसर से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मारक है काशी मीरा में, वहाँ तक का एक रास्ता बना 20-22 करोड़ के आसपास था। पूरे रास्ते की दुर्दशा खराब हो चुकी है, कई लोग आरोप कर रहे हैं आप पर, क्या कहेंगे, किस तरह का विषय है वो? देखिए, कैसा MMRDA को हमने पत्र लिखा था, ये मांग हर एक आमदार करता रहता है, हमारे एरिया में ये खराब है, ये किया जाए, ये खराब है, ये किया जाए। ये MMRDA ने ये बनाया था, हमारे पत्र ज़रूर थे कि हमारा रोड खराब है, उसे बनाइए, उसमें आमदार निधि नहीं लगी है। एक दूसरा विषय ऐसा है कि वो टूटने के बाद तुरंत ही मैंने कमिश्नर को कहा कि इसका पैचवर्क किया जाए, 5 साल तक इसको मेंटेन करने का काम कॉन्ट्रैक्टर का है। तीसरा, मुझे नहीं मालूम विरोधियों को ये कहाँ भ्रष्टाचार दिखता है, शायद जिसको पीलिया होता है उसको पूरा जग पीला दिखता है, जैसी जैसी जिसकी फितरत वैसा उसके लिए जहाँ होता है, तो हम जो करते हैं वो दूसरों ने भी किया ऐसा दिखता रहता है, तो जो भ्रष्टाचारी होते हैं उसको हर जगह भ्रष्टाचार ही दिखता रहता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में वही काम हुआ होगा। एक तो मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, MMRDA का काम और BMC को पैसे वापस कैसे मिलेंगे, मुझे नहीं मालूम MBMC को पैसे कैसे कौन दिला सकता है। आपने इसकी शिकायत किधर की है, ठेकेदार के खिलाफ? मैंने शिकायत की है, और देखिए मुझे ठेकेदार, मैंने इंजीनियर का भी रिपोर्ट देखा, ठेकेदार मेरे पास इंजीनियर का रिपोर्ट आया था, और इंजीनियर का रिपोर्ट है कि ये रोड बराबर बना हुआ है, एक वहाँ सबसे बड़ा तो वो, अब दूसरा किस वजह से टूटा वो कारण ढूंढिए, और टूटा है तो उसको मेंटेन करिए, ये बात और वो बात हो रही है। मुझे लगता है कि अभी मेरे पास सिल्वर पार्क वाले आए थे, बोले हमारे बाहर का पैचवर्क हो गया है, धीरे धीरे बारिश रुकते ही पैचवर्क हो जाएगा, दैट इज़ द थिंग, बहुत सिंपल है, उसको विरोधियों ने क्यों मुद्दा बनाया है मेरी बात समझ में नहीं आई। आपने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी CM से मांग की है? देखिए, उसको सबलेट किया गया था, जय कुमार ने उसको सबलेट किया था, तो नेचुरली मैंने वो जिसको सबलेट किया है उसको ब्लैकलिस्ट करने की मांग की, लेकिन मैं वही बोलती हूँ, ठेकेदार लेके आया था कि जब बनाया गया था ये रोड ऑल ओके था, उसके पास इंजीनियर की रिपोर्ट है, तब आप क्या करोगे? मैडम, एक बड़ा ठेकेदार होता है, वो ठेकेदार हर एक निचले स्तर के ठेकेदार को काम डिवाइड करता है, इसमें भी जय कुमार का नाम आया, वो भी ब्लैकलिस्टेड होगा क्या? मैंने कहा उसने सबलेट किया था, उसने वो काम सबलेट किया था। ये थे मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन, इन्होंने जो अधिवेशन में आवाज़ उठाई उसके सभी मुद्दे उन्होंने हमारे सामने रखे, जनता को बताया कि किस तरह के मुद्दे हैं, आने वाले समय में किस तरह से फ्लाईओवर बनेगा, तमाम मुद्दे उन्होंने रखे। आप देख रहे थे YSR News में अजीम तांबोली, भाईंदर।